ठीक है, समझ गया मैं। मुकाबला शुरू। रवि दहिया ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट और अमन के बीच का ये मुकाबला फाइनल मुकाबला है 57 केजी का। यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स की जो ट्रायल है उसके लिए फाइनल मुकाबला रवि दहिया और अमन के बीच में। दोनों दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं। रवि दहिया दिल्ली में डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट पे कार्यरत करते हैं। अमन का हमें पता नहीं है इसलिए आपको बता नहीं पाएंगे। खत्म कर देते हैं बस जैसे तैसे। विशाल अमन ने अपनी जान बचाई। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पहले ही अपने ओलंपिक गेम में इंडिया को सिल्वर मेडल दिलाया था, बहुत बड़ी बात है। 21 साल के लड़के हैं मात्र। देख सकते हैं कितना बड़ा क्राउड है एक रेसलिंग का। दूसरा राउंड स्टार्ट। रवि दहिया 4 पॉइंट से आगे चल रहे हैं अमन से। दोनों ही दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं और खिंच के कुश्ती चलती हुई। चल रहे हैं।
पुष्टि लगभग बस अब दो पॉइंट और मिलते ही टेक्निकल सुपीरियरिटी के अनुसार 10 अंक से जीत के रवि दहिया अपना मैच खत्म करेंगे। कोच समझाते हुए उनको क्या करना है कैसे करना है। पुष्टि लगभग अंत के दौर पे 1 मिनट 37 सेकंड का समय बाकी है। रवि दहिया अपनी फुर्ती चुस्ती से उसको छकाते हुए और लगभग ये कुश्ती खत्म होने वाली है और ये लगभग हो गई। इन्होंने इनके घुटने टिकाए और दो पॉइंट लिए, कुश्ती खत्म 10-0। एक ओलंपिक खिलाड़ी ने, ओलंपिक के अनुरूप ओलंपियन खिलाड़ी ने अपने कद के अनुसार प्रदर्शन किया। Mm-hmm.